हो चुका है, जैसे लोग पहुंच रहे थिएटर्स में, तो आपको लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो हौसले और बढ़ेंगे अच्छी अच्छी फिल्म बनाने के लिए, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताया उस बारे में? देखिए, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी इंडस्ट्री का कोई बुरा दौर कभी आया था। एक फेज़ होता है जब मे बी थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो मे बी आर इंडस्ट्री वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़, एंड कोविड का दौर भी चल रहा था, एक मुश्किल दौर था सबके लिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो। सो आई डिड नॉट फील, यस मे बी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, जो डायरेक्टर्स सोच रहे थे, शायद उस समय वो क्लिक नहीं हो रहे थे, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारी जो इट इज़ रॉन्ग टू से साउथ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारी एक ही मानी जानी चाहिए, लेकिन हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि वो बंगाल से है, ये तमिलनाडु से है, ये केरला से है, तो उनकी फिल्में लिटिल ओवर द टॉप, हीरोइज़म वहाँ ज़्यादा होता है, एंड वहाँ जो एक फॉलोइंग भी है एक्टर्स की, कल्ट फॉलोइंग है, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस लेवल की नहीं है। बट अगेन विद द रिलीज ऑफ पठान, आई थिंक आई वाज सो हैप्पी कि एक ऐसी फिल्म जो इतनी चली है, क्योंकि एक फिल्म चलती है तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स की हिम्मत होती है कि भाई चलो इंडस्ट्री शुरू हुई है, अब हम वापस फिर से खड़े हो जाएंगे। सो एक फेज़ रहा था जहाँ पे मे बी प्रोजेक्ट्स क्लिक नहीं हो रहे थे। हमारे यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या मेकर्स नहीं है या परफॉर्मर्स नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो चीज़ उस समय क्लिक नहीं हो रही थी, अब ये चीज़ अभी क्लिक हुई है, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे चीज़ें खुलती रहेंगी, यू नो, लोग और वापस थिएटर की तरफ आएंगे और फिल्में बनेंगी और पीपल विल वॉन्ट टू, मेरे लिए व्हेन आई वॉच अ फिल्म आई वॉन्ट टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, मेरे लिए वो एक मोबाइल पे इतने में देखने में या टेलीविजन में देखने में वो उसका मज़ा ही नहीं है। यू नो, यू नीड साउंड टू सराउंड यू, यू नीड द राइट काइंड ऑफ इफेक्ट, द राइट म्यूजिक, द राइट कलर, द राइट एक्टर्स, द राइट फ्रेम, तो और कहानी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ब्रिलियंट होना चाहिए। तो एक दौर है, वो दौर मेरे हिसाब से निकल गया है, एंड नाउ जो भी होगा बढ़िया होगा और पॉजिटिव। अमन सर, इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि 500 करोड़ हो चुका है कल तक का जो अपडेट है पठान का, क्या कहेंगे उस बारे में और कितना बढ़िया? जहाँ तक मैं जानता हूँ वर्ल्ड वाइड इट हैज टच्ड ओवर 800। जी जी जी, इंडिया वाइड। हाँ, तो 850-900 मतलब 1000 की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ 1000 क्या हो, 10,000 बढ़े, ताकि और हज़ारों फिल्में बने, हम और आप मतलब हमें बैठने की मतलब फुर्सत ना हो, इतना काम, इतनी इंडस्ट्री हमारी बड़ी है। आई थिंक पॉजिटिविटी अगर आपके दिमाग में होगा, अगर आप हमेशा सोचेंगे अच्छा होगा, आगे जाके अच्छा ही होगा। सर, थोड़ा सा एक अलग सवाल जानना चाहूँगा, अभी जो है रिसेंटली MC Stan बिग बॉस जीत गए, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप बहुत सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आई नो, आई वॉज ऑल्सो इन बिग बॉस 9, राइट, बहुत से लोगों ने वेल आई थिंक देखिए बहुत सी, ये एक बेसिक चीज़ है, टुडे आ कंट्री मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आ कंट्री टुडे इज अंडर द एज ऑफ 35 एंड बिलो, सो वी आर अ वेरी यंग कंट्री टुडे, वेरी वेरी यंग। सो MC Stan फॉल्स इन दैट कैटेगरी, जहाँ पे जो यंगस्टर्स उनके साथ हैं, उनकी जो उम्र है, जिस तरह के वो गाने बनाते हैं, अभी यही चीज़ अगर आप Somebody who loves Kishore Kumar, somebody who loves Sonu Nigam, somebody who loves R.D. Barman, somebody who loves those old jinke gaanon pe main bada hua, I don't understand, matlab mere liye MC Stan ke gaanon ko samajhna it's a little difficult, but main ye bhi janta hu ki uski apni ek following hai, log use pasand karte hain, ek age bracket hai, ek age group hai, unke gaane maybe 35 40 45 50 60 65 70 80 wo log shayad pasand nahi karenge, 35 वाले भी शायद नहीं। आई सपोज दैट द यंग अगेन, यू नो, यंगस्टर्स का क्या है, उनको कुछ नया चाहिए, सो MC Stan हैज़ अ कनेक्ट विद पीपल, और वो कनेक्ट इतना एविडेंट है कि वो बिग बॉस जीते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने जो पैसे हैं अलग अलग कंटेस्टेंट्स पे लगाए थे, MC Stan पे किसी ने पैसे नहीं लगाए, ये सारी दुनिया जानती है, बट अगेन लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्टर सर, मेरा आपसे सवाल है, मैं